नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये देखिए किस तरह से पानी, ऊपर गंदा पानी, ये ऊपर घरों से निकल के पहले तो ये पीपल के पेड़ में ब्रह्म देवता पे आ रहा है, जो कि हमारे हिंदू धर्म में गंदा पानी पीपल के ऊपर डालना बहुत ही सबसे ज़्यादा पाप वाला काम बताया गया है। पीपल देवता पूजनीय है। और इसके बाद आप देखिए फिर ये घरों से गंदा पानी निकल के पहले तो ये जो यहाँ के नीचे जो दुकानदार हैं, जो अपना अपना दुकान लगा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो गंदा पानी इनकी दुकानों में आता है, दुकानों में निकलता है, जिससे कि इनको भी बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। और फिर ये देखिए गंदा पानी पूरे घाट पर फैलता है। देखिए आप देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे आने जाने वाले यात्रियों के पैरों में आता है पानी, ये गंदा पानी है ये, और हर की पौड़ी के घाट को गंदा करता है। आप देख सकते हैं ये देखिए, और ये देखिए कितनी गंदगी, देखिए कितनी गंदगी कर रखी है इस गंदे पानी ने। ये देखिए, ये सब मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये देखिए और ये देखिए सीधा ये यहाँ से पैड़ी के थ्रू, नीचे पैड़ी के द्वारा ये देखिए सीधे गंगा जी में जाता है। ये देखिए, और उस गंगा जी में जाता है जिस गंगा जी में हजारों किलोमीटर से लोग नहाने, अपने पाप धोने, अपने मन की श्रद्धा लेकर के आते हैं। और ये गंदा पानी देखिए किस तरह से गंगा जी में जा रहा है, जो कि सही नहीं है। ये देखिए ये पानी देखिए आप, और ये सीधा गंगा जी में जाएगा। तो इस पे बस मेरा यह है कि आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसको मतलब यहाँ के अधिकारी, आला अधिकारी तक पहुँचाएँ इस चीज़ को, और यहाँ के सिंचाई विभाग को पहुँचाएँ इस चीज़ को, और इस सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जाए जल्दी से जल्दी। ये देखिए ये सारा पानी गंगा जी में, देखिए आप कैसे, ये देखिए, और ये धीरे धीरे गंगा जी में जाएगा पानी। और कई बार तो यहाँ पे यात्रियों ने भी ऑब्जेक्शन उठाया है इस बात पर कि ये गंदा पानी है, ये गंगा जी में जाता है, और फिर हम इसको भर के ले जाते हैं अपने घर पे, और फिर वो उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा इस चीज़ का। तो मेरा निवेदन है कि आप इसको फैलाएं, इसको शेयर करें, और बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुँचे ये चीज़, जिससे कि इस चीज़ पर प्रतिबंध लग सके। धन्यवाद।